हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप अपना फैमिली को कुवैत में दिला सकते हो, कुवैत का फैमिली वीजा आप कैसे निकाल सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना सैलरी चाहिए, पूरा प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, कुवैत फैमिली वीजा, कुवैत में टू टाइप्स ऑफ फैमिली वीजा है। एक है आपका टेम्पोररी फैमिली वीजा एंड एक है परमानेंट फैमिली वीजा। तो सबसे पहले हम लोग टेम्पोररी फैमिली वीजा के बारे में बात करते हैं। टेम्पोररी नाम सुन के ही आप लोगों को पता लग गया होगा ये वीजा कौन सा टाइप का है। टेम्पोररी फैमिली वीजा मतलब आप कुछ दिनों के लिए अपना फैमिली को कुवैत में बुलाना चाहते हो, जैसे विजिट पे। एक होता है फैमिली विजिट वीजा, सेम इसे ही हम फैमिली विजिट वीजा बोलते हैं। इसमें आप अपना फैमिली को एक दो महीना तीन महीना के लिए कुवैत में बुला सकते हो। तो टेम्पोररी फैमिली वीजा निकालने के लिए आप जिनको भी आपका फैमिली मेंबर को कुवैत में लेके आना चाहते हैं, सबसे पहले उनका पासपोर्ट का जरूरत है, आपका कुवैत का जो सिविल आईडी है, आपका कुवैत का आईडी का जरूरत है। अगर आप अपना वाइफ को बुलाना चाहते हैं तो वाइफ का मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय हायर अथॉरिटी होना पड़ेगा। उसके बाद जितने सारे लोगों को आप बुलाना चाहते हैं उन सभी का 8 copies ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोज भी लगेगा। देन आप कुवैत मिनिस्ट्री का वेबसाइट में जाएंगे, वहां पे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, फिलअप करना है, फिलअप करके सबमिट करना है। वहां से आपका जब अप्रूवल हो जाएगा आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट फैमिली वीजा निकालने का प्रोसेस अलग है। परमानेंट फैमिली वीजा निकालने के लिए सबसे पहले आप जिनको बुलाना चाहेंगे उनका पासपोर्ट का तो जरूरत होगा। उसके बाद अगर आप अपना वाइफ को बुलाना चाहते हैं तो वाइफ का जो मैरिज सर्टिफिकेट है ये एम्बेसी में आपको अटैच कराना पड़ेगा, इंडियन एम्बेसी में, या आप जो भी कंट्री से आ रहे हो उस कंट्री से आपको अटैच कराना पड़ेगा अपना एम्बेसी से। उसके बाद चाहिए फोटोज, इन सब डॉक्यूमेंट आपको कुवैत में चाहिए। कुवैत में आप ये सब डॉक्यूमेंट लेके किसी भी टाइपराइटर के पास जाएंगे, किसी भी शॉप में जाके आपको टाइप कराना है। वहां पे आप जाने के बाद आप बोलेंगे कि मेरे को फैमिली वीजा के लिए अप्लाई करना है, वो आपको टाइप करके दे देंगे। टाइप किया हुआ डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना पड़ेगा मिनिस्ट्री पे, मिनिस्ट्री पे जाके वहां पे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए कुवैत का जो लेटेस्ट न्यूज निकल के आया था उसमें ये कहा गया है कि फैमिली वीजा के लिए आपका जो सैलरी है 800 KD होना पड़ेगा। आपका सैलरी अगर 800 KD है तभी आप अपना फैमिली को कुवैत में बुला सकते हो। आपका सैलरी स्लिप चाहिए जिसमें 800 KD लिखा होना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना फैमिली को कुवैत में बुला सकते हो। तो गाइस, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि फिलहाल कुवैत में जो फैमिली वीजा है ये बंद है, अभी तक रीओपन नहीं हुआ है। जब भी ओपन हो जाएगा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो गाइज, मेरा एक दोस्त ने अपना वाइफ को परमानेंट फैमिली वीजा में कुवैत में बुलाया है, जिसका वीडियो मेरा चैनल पे है। आप लोग अगर चैनल पे विजिट करेंगे तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने चैनल पे खुद कहा है क्या क्या प्रोसेस है, और जो जो प्रोसेस करके फैमिली वीजा निकाला है वो पूरा प्रोसेस वीडियो के अंदर में है। आप लोग चैनल को विजिट कीजिए एंड वो वीडियो देखिए, आपको भी पता चल जाएगा कहाँ पे कितना पैसा लगता है फैमिली वीजा निकालने के लिए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।